वाली टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो टीम हार गई है, जब मैदान में दो उतरते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। आप मैच तो जरूर हारे लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आइंदा जब भी कोई मैच हो या यहाँ पे टूर्नामेंट हो तो आपने इस उम्मीद से शिरकत करनी है कि हम जीतने के लिए खेलेंगे। 25 टीमें थी, आपने ज्यादा मेहनत की तो आप फाइनल तक पहुंचे। जो फाइनल जीती उसने सबसे ज्यादा मेहनत की तो फाइनल जीती। शहर के तय गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, आपने मेहनत की यहाँ तक पहुंचे। रनर अप टीम के लिए एक दफा फिर आप सब क्लैपिंग करें, उनकी हिम्मत बधाई। मैच के दौरान आपने जिस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया वो बहुत अच्छी बात है। खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो संताल वीरान होते हैं। तनावल के अंदर तमाम गेमों के हवाले से टैलेंट मौजूद है, हमारे नौजवानों में टैलेंट मौजूद है लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज तक, ना इस तरफ किसी ने तवज्जो दी। खेलों पे खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। तनावल के लिए आया हुआ स्पोर्ट्स के हवाले से फंड तकरीबन हर यूनियन कौंसिल के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड के लिए फंड, हुकूमत की सूबाई हुकूमत की ये पॉलिसी थी दुआए भाई बरियाल के, और कहीं भी तनावल के अंदर कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं बना। ये हमारे जो सबका नुमाइंदे थे उनकी ना ही नहीं है ये समझता हूँ। तो मेरे ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं ये बिलखसूस इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आपका नुमाइंदा वो होना चाहिए जो असम्बली के अंदर जाकर आपके मसाइल को हल करने की जिसमें सलाहियत हो। अब फंड सूबाई हुकूमत की तरफ से तमाम अजला के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के लिए फंड मौजूद था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास, लेकिन वो फंड तनावल के अंदर बिलखसूस सिवाय भाई बरियाल जुबली के 36 का हिस्सा है वहाँ पे एक ग्राउंड बना, उसके अलावा नफी के 35 और नफी के 36 में कहीं कोई क्रिकेट का ग्राउंड या कोई भी खेल का मैदान नहीं बना। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इंतजामिया को, कमेटी को, जिन्होंने इतने दूर दराज में यहाँ पर नौजवानों के लिए सरगर्मी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मलिक मुमताज तुनोली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह आमदा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कहीं पे नौजवान ये नारा लगा रहे हैं कि रोड बनाएगा तो वोट देंगे मच्छेरिया में, बाकी भी तो तकरीबन हमारे मसाइल यही हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे जो अहम मसला है वो जिला तनावल का है। जब हमारे पास फैसले करने का अख्तियार हमारे पास होगा, जब लसा नवाब में हेडक्वार्टर होगा, जिले के हेडक्वार्टर होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी, तो जिला बनने से बहुत सारी नौकरियां तनावल के अंदर आएंगी, बहुत सारे मसाइल हमारे जिनके लिए हमें मानसेरा जाना पड़ता है वो यहाँ पे हल होंगे, निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। हमारे पास वसाइल तमाम वसाइल मौजूद है, हमारे पास जंगलात है, हमारे पास ग्रेनाइट है, मादरियात है, उसके तमाम मसाइल यहाँ पर हर चुके तो हमारे तमाम मसाइल बेहतर अंदाज में हल होंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, आज हम आपके पास खेल में शिरकत के लिए आए हैं, आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। मैं सियासी बात यहाँ पर नहीं करना चाहता लेकिन आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जो भी उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आए उसके साथ आपने ये मुतालबा जरूर रखना है कि अगर वो जीत कर असम्बली जाता है तो हमारा जो बुनियादी हक जिला तनावल है उसके लिए वो जरूर आवाज बुलंद करेगा, बल्कि उसके लिए वो यकीन दहानी करवाएगा कि हम जिला तनावल का क्याम करेंगे। चूंकि जितने जो हमारा सबका नुमाइंदा जीता हुआ था उसे जब जिले की बात हम करते तो वो कहता जी लोग नहीं मांग, तनावल के लोग जिला नहीं मांगते, तो आप लोग जिला मांगते हैं या नहीं मांगते, आप तमाम नौजवान जिला मांगते हैं या नहीं मांगते। नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। पाकिस्तान में बात लंबी हो रही है, मुख्तसर करता हूँ, जितनी भी रियासतें जम हुई तनावल की एक तारीखी हैसियत है, जितनी रियासतें पाकिस्तान के अंदर जम हुई सबको जिलों का दर्जा दिया गया, कुछ को डिवीजन का दर्जा दिया गया। ये दो रियासतें रियासत कुल्ला और रियासत आम ये पाकिस्तान के साथ शामिल हुई और हमारे इलाके के साथ, मैं ये समझता हूँ हमारे नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादतियाँ हुई, हमारे इस इलाके को जिले का दर्जा नहीं दिया गया। इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे, मलिक मुमताज जिस दिन कामयाब हो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश, क्योंकि सूबाई असम्बली से जिला बनता है तो ये मलिक मुमताज जिले का सबसे बड़ा आमी उम्मीदवार है, इनकी तरफ से वो खुद भी बात करेंगे और ये इंशाल्लाह जिला बनाएंगे और हमारी भी जहाँ तक कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे
जिला बनेगा, आप लोगों को यहाँ घर के अंदर रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी, कारोबार के मौके यहाँ पर पैदा होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ में आपसे इजाजत चाहता हूँ। वसलाम।